कुमार जी ने पूरे विश्व में फिल्म जगत को भारत के एक संस्कृति दूत के रूप में अपना नाम रोशन कराया, और दिलीप कुमार जी का अभिनव, उनकी कलाकारी, उनकी किरदार सदैव जीवंत रहेंगे और समाज में एक सकारात्मक दिशा देते रहेंगे। चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे मजदूर हो, हर लोग दिलीप कुमार जी के प्रति चाहते थे। और दिलीप कुमार जी के प्रति जब फिल्म में उनकी कला, अदादगी, डायलॉग, उनका हर किरदार, उनके जितने किरदारों को देखते हैं, अलग अलग अभिनव लगता है। एक अभिनव की एक ऐसी संस्था जो हमेशा हमें याद करती रहेगी और स्मृतियाँ हमें हमेशा एक नया सकारात्मक संदेश देती रहेगी। आज सुबह सुबह बहुत अफसोसनाक खबर सुनी कि यूसुफ जनाब दिलीप कुमार साहब इस दुनिया फानी से चल बसे। वो बहुत ही नेक आदमी थे और उनका मुकाबला नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में भी और इंसानियत में भी। उन्हें कश्मीर से और कश्मीर के लोगों से बेहद मोहब्बत थी, बल्कि कई बार यहाँ आए और हर बार यही कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि कुछ करना यहाँ, मगर मौका नहीं मिला। मैं उन्हें, उनकी बेगम और सारे ख़ानदान के साथ इस गम में शामिल हूँ, और सब लोग यहाँ के उनके लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। मैंने तो अपना भाई खो दिया है। वो सगों से भी ज़्यादा प्यार करते थे मुझे। पहली मुलाकात में ऐसे लगा कि हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। कमी तो होगी, उनकी यादों को, यादों के सहारे जिएंगे ना।
देखिए, कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। उनको सांस की तकलीफें थी पहले, तो आपको सब मालूम था। तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था। नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेट जो सर्जन थे उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे, साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है। कोशिश तो बहुत की, हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों। उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा। शख्सियत काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं अपने देश का नाम भी रोशन किया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज़्यादा भी कर चुके हैं। बहुत दुख का दिन है। सवेरे जब ये न्यूज़ आई कि दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनका परफॉर्मेंस, उनका जो कला हमेशा जनरेशन याद रहेगा। इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की बात कहो, नया दौर, मेला, दीदार, मुगले आज़म, फिर बैराग, विदाथा, कर्मा, सौदागर, ये सब पिक्चर, शक्ति, कितनी बार मैंने देखी मुझे याद भी नहीं है कि इतना अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। और जब आज जब ये न्यूज़ पता चली तो बहुत दुख हुआ। और मैं पिछले लास्ट वीक भी यहाँ पे सायरा जी को मिलके गया था अस्पताल में, मैं हालचाल पूछने के लिए। और आज बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे साथ नहीं रहे। एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि दिलीप साहब हमेशा जनरेशन, आगे की जनरेशन उनको याद रखेगा, उनके परफॉर्मेंस से वो इंस्पिरेशन प्रेरणा लेगा हमेशा। आज एक संस्था का अंत हो गया, एक युग, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया, बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो वंजा सजनवा, हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया। और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था, और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिनेमा को लेके, एक्टिंग की बारीकियों को लेके हमेशा मुझसे डिस्कस की। इनफैक्ट इवन परिवार को लेके भी, कि कैसे एक कलाकार को परिवार को, फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को लेके चलना चाहिए, कैसे एक आप हीरो होते हैं तो कैसे आप समाज को भी एक एग्जाम्पल देते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। ये मेरे लिए बहुत, आज ये पर्सनल लॉस है।